हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में करने जा रहे हैं हमारे पास जो हमने 100 सीरीज वाला मैराथन लाया था पहले आपके लिए एक वीडियो में, तो इसमें हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं उस क्वेश्चन का। तो आपको क्या करना है, अगर आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो इसके लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, आप इन क्वेश्चन को रिविजन और प्रैक्टिस कर सकते हो। और उसके साथ अगर आप इनकी PDF चाहते हो तो उसके लिए आपको हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से इसकी PDF भी ले सकते हो। तो 100 क्वेश्चन तक हमने कवर किए थे लास्ट वीडियो में, तो इस वीडियो में हम करेंगे और 100 क्वेश्चन, तो 200 क्वेश्चन की ये आपकी सीरीज है, ठीक है। तो देखो आपके पास क्या आ रहा है, अभी आपके पास आ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइल एक्सटेंशन इन MS वर्ड 2019। तो आपको क्या बताना है, फाइल एक्सटेंशन बतानी है आपके पास जो MS वर्ड में आ रहा था, ठीक है। तो MS वर्ड में आपके पास फाइल एक्सटेंशन क्या थी, आपके पास मैंने आपको बता रखा था आपके पास 2007 और 2007 के बाद वाली और एक पहले, ये बिफोर पहले कौन सी थी और एक उसके आफ्टर आपके पास कौन सी आ रही थी, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था जो पहले थी आपके पास वो होती थी आपके पास .doc होती थी, ठीक है। और अब कौन सी यूज होती थी, .docx होती है आपके पास, ठीक है। तो ये एक्चुअली में क्या होगा, यहाँ पे .docx होगा आपके पास, ठीक है। तो आपके पास ये क्या आ जाएगी, आपके पास फाइल एक्सटेंशन आ जाएगी आपके पास MS वर्ड की, ठीक है। अब आपको ये जो फाइल एक्सटेंशन होता है क्या, ये आपको मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है, आपने क्या करना है इसके लिए। फाइल एक्सटेंशन के लिए आप ये देख सको कि जैसे आप जब कोई PDF बनाते हो अपने मोबाइल में, तो उस पर डॉट लास्ट पे क्या आ जाता है, .pdf आ जाता है ना, तो वो .pdf आपके पास क्या है, एक्सटेंशन है। तो MS Word की एक्सटेंशन आपके पास .dcx आ गई, उसके बाद PowerPoint की आ जाती है आपके पास .ppdx आ जाती है, उसके बाद आपके पास .xlsx आ जाती है आपके पास MS Excel की। तो डिफरेंट की आपके पास डिफरेंट आती है, तो आपने वो याद रखना है उसके बाद, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि डैशेस फ्रॉम द कंट्रोल पैनल हैव द सेटिंग रिलेटेड टू द कंप्यूटर ऑप्शन। तो कंप्यूटर में ऐसा कौन सा पैनल होता है आपको, जहाँ पे आपके पास कंप्यूटर नेटवर्क के रिलेटेड आपके पास क्या होती है, सेटिंग होती है। तो वो आपके पास कौन सा आता है, नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर आता है आपके पास, ये कंप्यूटर में होगा। इसमें आपके पास क्या होगी, जो भी आपके कंप्यूटर नेटवर्क के रिलेटेड कोई भी सेटिंग होगी वो आपको इसमें मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो आपके पास आ रहा था टर्म शट डाउन ऑन अ विंडो रेफर टू। अब आपके पास जो टर्म शट डाउन होती है वो क्या होती है आपके पास, तो आप जनरली बता सकते हो आपके पास शट डाउन क्या होता है, आपके पास टर्न ऑफ कंप्यूटर करना, कंप्यूटर को ऑफ करे उसी को, तो आप क्या बोलोगे, शट डाउन बोलोगे। अब देखो आपके पास बोल रहा है CPU has a built-in ability to execute a set of machine instruction is called as, तो इंस्ट्रक्शन का सेट कर रहा है तो उसी को क्या बोलेंगे हम, इंस्ट्रक्शन का सेट बोल देंगे, सिंपल था ये। अब देखो ये जो आपको मैंने ये बता रखा कि टर्न ऑफ द PC, तो देखो जैसे आपको मैं दिखा देता हूँ, सबसे पहले ये आपके पास ये वाले प्रोफाइल का एक्शन आ जाता है आपके पास, उसके बाद आपके पास ये देखो यहाँ पे एक आता है आपके पास ये वाला, यहाँ पे मेरे पे तो अपडेट का ऑप्शन है, मतलब यहाँ पे देखो आपके पास शट डाउन का ऑप्शन है, तो आप यहाँ से इसको क्या कर सकते हो, शट डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास ये वाला ऑप्शन आ जाता है आपको शट डाउन, यहाँ पे अगर आप शट डाउन पे क्लिक कर लोगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आपका PC क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये आपको मैंने टर्न ऑफ वाला भी बता दिया और CPU इंस्ट्रक्शन वाला भी आपको मैंने बता दिया। अब देखो आ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ MS PowerPoint, इनमें से कौन से आपके पास MS PowerPoint की टाइप है आपको। सबसे पहले आपने क्या बताना है इसमें, सबसे पहले आपको रीडिंग व्यू, वेब लेआउट, ड्राफ्ट और प्रिंट लेआउट। तो आपको सबसे पहले क्या कौन सा होगा, रीडिंग व्यू आ जाएगा। इसके अलावा MS PowerPoint के आपके पास क्या आता है, एक स्लाइड सॉर्टर आता है आपके पास, ठीक है, स्लाइड सॉर्टर भी इसी में आता है, उसके पास स्लाइड शो भी इसी में आता है, ठीक है। उसके अलावा आप स्लाइड सॉर्टर, स्लाइड शो यू आर याद रख सकते हो, उसके बाद आप नॉर्मल शो याद रख सकते हो, उसके बाद नोट पैड वाला आ जाता है वो आपके पास, वो भी किस में आता है, MS PowerPoint की एक्सटेंशन मैंने आपको बता दी। उसके बाद नॉन इंपैक्ट प्रिंटर कौन सा, तो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर पे देखो आपको JKSSB की भी हाल ही में क्वेश्चन में इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट के बारे में पूछा था। तो इंपैक्ट प्रिंटर आपके पास कौन सा होता है, इंपैक्ट प्रिंटर होता है जिसमें आपके पास क्या होता है, फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है आपके पास पेपर और आपके प्रिंटर में, और जो आपके पास नॉन इंपैक्ट होता है इसमें आपके पास फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता, ये क्या होता है आपका डिजिटली होता है, जैसे आपका आज आप यूज करते हो, आपके पास फोटोकॉपी मशीन आ गई, आपके पास जो प्रिंटर आ रहे हैं वो सारे कौन से आते हैं आपके पास, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। तो इसका आंसर क्या आएगा, लेजर प्रिंटर, ठीक है। अब देखो आ रहा है यू कैन सेंड अ ईमेल टू अ इंटरेस्टेड थर्ड पार्टीज वाइल कीपिंग द ओरिजिनल रिसेप्टेंट ब्लाइंड टू द फैक्ट बाई एरिंग दम इन अ डैश सेक्शन। तो ये मैंने आपको जब आपको पहले वाला आपको पहला मैराथन प्रोवाइड किया था उसमें भी मैंने आपको बता रखा था कि आपके पास वो कौन सा होता है BCC मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी, आपको ऑप्शन प्रोवाइड होता है कि आप किसी को अपनी मेल सेंड कर रहे हो और किसी को आपने कॉपी भी कर रखी हुई है, CC मतलब कार्बन कॉपी कर रखी हुई ना आपने, और उसको अगर आपने जो रिसीवर उसको पता नहीं चलने देना कि आपने कॉपी इसके साथ शेयर कर रखी है, तो आप क्या करोगे उसमें BCC वाले ऑप्शन में वो जिसको रिसेप्शन का वो मेल आईडी डाल दोगे, तो उसको जो आपका रिसीवर होगा उसको पता नहीं चलेगा कि आपने किसके साथ ये कॉपी की हुई है। तो हम क्या कर रहे हैं सिक्योरिटी के लिए क्या रखिए, हमने मतलब सिक्योर रखने के लिए BCC प्रोवाइड कर लेंगे।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो आपको पता है कौन सा होता है सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होगी वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। अब देखो इन एमएस वर्ड ग्रामर और स्पेलिंग और ग्रामर बटन इज अवेलेबल इन कौन से टैब में आते हैं, तो ये आपके पास आती है रिव्यू टैब में, आप देख सकते हो वहाँ पे आपकी स्पेलिंग वगैरह आप चेक कर सकते हो। और स्पेलिंग वगैरह जो ऑटोमेटिकली चेक होती है उसको आप ऑटो टेक्स्ट बोलते हो, ऑटो करेक्ट बोलते हो, उसके बारे में क्या होगा आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पे आपको क्या आएगा JKPSI कंप्यूटर पे आपके पास प्लेलिस्ट आएगी, आप उनको पूरे से देखिए मैंने आपको अच्छे से ये सारी चीज़ें समझा रखी है। अब उसके बाद आ रहा था शेड्यूलिंग द मैनर एंड सीक्वेंस इन विच ऑपरेशन आर परफॉर्म इज नॉन एज कंट्रोलिंग, उसको क्या बोलते हैं आप कंट्रोलिंग, कि ऐसा शेड्यूल करेंगे मैनर जिसमें आपका क्या हो जाएगा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं उसको क्या करोगे आप कंट्रोलिंग मतलब प्रोसेस बोलोगे। ये तो कुछ जनरल टर्म्स आ रही हैं आपके पास, उनको समझाने की उतना आई थिंक की जरूरत नहीं आएगी। इनपुट डिवाइस, तो अब सभी आपको पता है इनपुट डिवाइस क्या आएगी आपके पास, प्रिंटर आउटपुट है, मॉनिटर आउटपुट है, प्लॉटर भी आपके पास आउटपुट आता है, माउस क्या आएगा, इनपुट क्यों से हम क्या दे रखें इनपुट दे पा रहे हैं। उसके बाद एमएस पावर पॉइंट में कौन सी शॉर्टकट यूज करते हैं आप, शो आर हाइड द ग्रिड्स, तो क्या करोगे शिफ्ट प्लस F9, मैंने आपको बता रखा है शॉर्टकट कीज भी मैंने आपको करवा रखी हुई, ठीक है, बहुत मैंने आपको शॉर्टकट कीज भी करवा रखी है। उसके अलावा आप खुद भी टास्क कर सकते हो कि जो जो इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज आपको JKSSB ने हाल ही एग्जाम में पूछ रखी है ये वही है, और कोई भी दूसरे कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आप देखोगे शॉर्टकट कीज तो वो आप नोट्स बना सकते हो, और नोट्स बना के साथ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दूसरे स्टूडेंट की भी आप हेल्प कर सकते हो, ठीक है। और मैंने आपको बहुत शॉर्टकट कीज आपको मैंने बता रखी हुई। अब आपके पास आके विच ऑफ द फॉलोइंग विच प्रोग्राम इज लोडेड फर्स्ट एट द स्टार्ट ऑफ द कंप्यूटर, मैंने आपको बहुत जब मैं आपको सॉफ्टवेयर पढ़ा रहा था मैंने आपको बता रखा था आपको सॉफ्टवेयर तीन टाइप के होते हैं, एक आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आता है, एक आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर आता है, और एक आता है आपके पास यूटिलिटी। यूटिलिटी में आपके पास आता है ऑपरेशन सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, जब आपके पास कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो उस टाइम जो आपके पास पहला जो भी सेटअप आएगा आपका कंप्यूटर का लेआउट आएगा डेस्कटॉप व्यू आएगा वो सभी किस में होता है आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है। तो स्टार्ट में कौन सा आ जाएगा आपके पास, ये ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया। अब आ गया LCD की फुल फॉर्म क्या होती है आपके पास, LCD की फुल फॉर्म आती है आपके पास लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये किसकी टाइप होती है आपके पास मॉनिटर की टाइप होती है। इसमें क्या मैंने बताया था कि आपको क्या होता है आपकी स्क्रीन को आप जैसे देखोगे ना तो अपने मोबाइल या जो पहले मतलब मान लीजिए आपका जो नोकिया के मोबाइल आते थे पहले उनको आपकी स्क्रीन को आप थोड़ा सा दबाते दबाओगे तो उनको आपको ऐसा लग सकता है कि आपको वहाँ पर क्या था लिक्विड तरह सा होता था, तो वही आपके पास वो क्या यूज़ होता था आपके पास LCD वाली डिस्प्ले होती है। LCD वाली डिस्प्ले हमारे पास जो कैथोड रे ट्यूब थे उनके कंपेरिजन में तो अच्छी थी, बट इस पर भी क्या होती थी कि आप जैसे देखो अपना लैपटॉप की स्क्रीन देखो, लैपटॉप की स्क्रीन पर अभी भी क्या आता है आपके पास वही वाला व्यू आ जाता है आपके पास, मतलब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले वाली आ जाती है, उसमें तो अब नहीं आता। बट आप उसमें क्या कर सकते हो, आप देखो लैपटॉप की पोजीशन वगैरह मॉनिटर को आप चेंज वगैरह कर सकते हो ना, जैसे आप चेंज करते थे उसको चेंज करते थे तो एक प्रॉपर एंगल पे आपको प्रॉपर दिखता था, बट आपके साथ वाला जो पर्सन कोई देख रहा होगा आपको तो उसको अच्छे से नहीं दिखेगा। अब उसका थोड़ा आप सेटअप करते तो आपको क्लियर दिखेगा, आपके साथ वाले को क्लियर नहीं दिखेगा। अगर उसको फिर चेंज करोगे आपके साथ वाले को क्लियर दिखेगा आपको क्लियर नहीं दिखेगा, वो आपके पास किसकी कमी आ रही थी LCD डिस्प्ले की आ रही थी। अब देखो आ रहा है डैशेस रेफर टू द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर सब्सटीट्यूटेड फॉर हार्डवेयर, ये क्या था आपके पास फर्मवेयर, फर्मवेयर के आपके पास ये एक सॉफ्टवेयर की टाइप है। अब MS Excel में ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोलते हैं रेंज बोलते हैं, ये तो आपको इतना याद होना चाहिए। अब देखो आपके पास क्या आ रहा क्वेश्चन, OSS, OSS की फुल फॉर्म क्या होती है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है आपके पास ऐसा सॉफ्टवेयर बोल सकते हो जिसमें आपके पास आप भी कोई इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो, उसके डाटा शेयर कर सकते हो, उसको आप डिजाइन कर सकते हो, और जो होता है सिंपली इसमें आप बोलते हो कि ये क्या होता है पब्लिकली एक्सेसिबल होता है, मतलब इसको पब्लिकली कोई भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे कि आपके पास ऐसी कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं, कौन कौन सी एप्स हैं, ये जो क्या है आपके पास ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है। आप मुझे बताओ कि आपके पास जो विकिपीडिया है, विकिपीडिया वो आपके पास क्या OSS है या नहीं है, ये आपके साथ मेरा क्या क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके पास द इनपुट डिवाइस दैट कैन कैप्चर योर वॉइस इज, तो कौन सा होता है आपके पास माइक्रोफोन, देखो जैसे मैंने अभी आपकी ऑडियो रिकॉर्ड अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए, तो ये कौन सी हो रही है माइक्रोफोन में ही हो रही है, ठीक है। अब देखो आ रहा है वेबसाइट सच एज फेसबुक एंड ट्विटर आर क्लासिफाइड एज, कौन सी साइट्स होती है आपके पास, एजुकेशन तो हो ही नहीं सकती क्योंकि इस पर टाइम आप क्या करते हो फ्रेंड्स के साथ चैटिंग वगैरह कर सकते हो, तो वो कौन सी आती है आपके पास सोशल मीडिया आ जाती है। इन MS Excel 2019 विच आर द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू बोल्ड द टेक्स्ट ऑफ सिलेक्टेड सेल, क्या कर सकते हो आप कंट्रोल प्लस सी से आप कर सकते हो। अब आगे शॉर्टकट की टू रीओपन द रिसेंटली क्लोज टैब इन अ ब्राउजर इज, तो कौन सा की लगाते हो आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस। अब देखो डैशेस प्रिंटर यूजेस इंपैक्ट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एंड नॉट प्रेफर्ड फॉर प्रिंटिंग ग्राफिकली इमेज, तो उसको कौन सा आता है आपके पास डेजी व्हील आ जाता है आपके पास, ठीक है, नॉट प्रेफर फॉर प्रिंटिंग ग्राफिकली इमेज। तो इसका क्या लॉजिक होगा वो लॉजिक भी आप मुझे
कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, क्योंकि आपको ने प्रिंटर के बारे में बहुत डिटेल प्रोवाइड बता दिए। अब देखो आपके पास बोल रहे हैं, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑप्शन इज यूज टू प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट अ वर्ड इन अ डॉक्यूमेंट आर कॉल्ड एज, उसको क्या बोलते हो आप? आपके पास देखो कई बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे थे, हेडर एंड फुटर कर लेंगे, बट हेडर एंड फुटर क्या आ जाएगा आपके पास, गलत आ जाएगा। इसमें क्या आएगा आपके पास, फुट नोट्स और एंड नोट। फुट नोट्स क्या होता है आपके पास, फुट नोट होता है आपके पास कि फुट नोट को आप सीधे बोल सकते हो कि जो आप क्या देते हो इन्फॉर्मेशन बॉटम ऑफ अ पेज, तो बॉटम ऑफ अ पेज में आप जो भी इन्फॉर्मेशन दोगे वो फुट नोट बोलेगा। आप तो बोलोगे कि फुटर भी तो वही होता है, हर पेज के बॉटम में आता है, मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल ठीक है, ये किस में आता है आपके पास, फुटर में ही आता है। बट जो आपके पास एंड नोट आता है, एंड नोट क्या होता है आपके पास, ये जब आपका डॉक्यूमेंट जो भी आप बना रहे हो उसके एंड पे आप जो कुछ भी डिटेल देना चाहोगे वो आप एंड नोट्स में दे दोगे। अगर हेडर और फुटर का यूज करोगे तो मतलब हेडर पे तो आपको हर हेडलाइन देनी होगी ना, तो इसलिए आप क्या इस पे यूज करते हो, फुट नोट्स और एंड नोट्स वाला ऑप्शन यहाँ पे आप यूज करोगे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके पास, डैश डैश की ऑन अ कीबोर्ड इज यूज टू स्विच टू आवर राइट मोड ड्यूरिंग डाटा एंट्री, तो वो कौन सा था आपके पास, इंसर्ट किया जाती है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू सेलेक्ट द एंटायर टेक्स्ट इन नोट आर वर्ड डॉक्यूमेंट, तो क्या कर लोगे आप, कंट्रोल प्लस ए कर लोगे, वरना आप माउस वगैरह से भी कर सकते हो, बट आपको शॉर्टकट की पूछी हुई ना। अब देखो डैश डैश एम टू डिजाइन इंटेलिजेंट मशीन दैट कैन हेल्प एंड असिस्ट ह्यूमन एंड डेवलप मशीन दैट कैन सब्स्टिट्यूट फॉर ह्यूमन एंड रेप्लिकेट ह्यूमन एक्शन, तो आपके पास ऐसी कौन सी मशीन आ रही है, आपके पास रोबोटिक्स यूज हो रहा है ना आपके पास, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मैंने आपको बताया था कि आपके पास फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आपके पास यूज हो रही है, जैसे आपके पास गूगल असिस्टेंट आ गया, एलेक्सा आ गया, ये सभी क्या आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो आपके पास क्या है या हमारा काम कम कर रही है। आप गूगल को कुछ भी पूछोगे गूगल असिस्टेंट से तो वो क्या करे, आपका हेल्प ही तो कर लेगी ना। ठीक है, उसको बताता है ए सेट ऑफ लाइन विद डिफरेंट थिकनेस दैट यू सी इन प्रोडक्ट लेबल विच कैरीज इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रोडक्ट इज कॉल्ड, तो आपके पास देखो ऐसे होते हैं, आपके पास इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है, ये इस टाइप से दे रखे होते हैं आपके पास कोई भी प्रोडक्ट का, तो इसको क्या बोलते हो आप, बार कोड बोलते हो। ठीक है, बार कोड आ गया आपके पास। ठीक है, तो बार कोड को क्या कर सकते हैं, ये आपके पास कौन सी डिवाइस आती है, बार कोड स्कैनर आपके पास कौन सी आती है, बार कोड को जो स्कैन करता है वो आती है आपके पास इनपुट डिवाइस। इसमें क्या करते हो आप, इसमें बड़े बड़े मॉल वगैरह में जाओगे या कोई अब शॉप पे भी, तो ये यूज होता है कि इसको स्कैन करेंगे, जैसे आपके पास प्रोडक्ट की डिटेल्स आ जाएंगी, उसकी प्राइस वगैरह आ जाएगी, तो वे कौन सा आ गया आपके पास, बार कोड। आप देखो यू नीड टू एड द ईमेल एड्रेस इन द डैश डैश लिस्ट टू कीप द कॉन्टैक्ट कॉन्फिडेंशियल वाइल सेंडिंग ईमेल टू द मल्टीपल कॉन्टैक्ट, तो आपको जस्ट अभी अभी बता रखा है क्या है, बीसीसी। बीसीसी क्या था आपके पास, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब आ गया आपके पास कंपोनेंट ऑफ सीपीयू, तो सीपीयू के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, इसकी तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं आनी चाहिए, खुद आप बता दोगे कौन से आते हैं, सीयू और एएलयू। सीयू की फुल फॉर्म तो होती है कंट्रोल यूनिट, और एएलयू की आती है आपके पास अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट आपके पास आता है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके पास, व्हाट इज द शॉर्टकट टू अंडरलाइन द टेक्स्ट, तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, कंट्रोल प्लस यू दबा दोगे, आपके पास जो टेक्स्ट होगा उसका क्या आ जाएगा, अंडरलाइन आ जाएगा। अब देखो डैश डैश अलाउ टू क्रिएट स्टैंडर्ड कैलकुलेशन फॉर्मेटिंग एंड चार्ट्स वेरी क्विकली, किस टूल में आएगा आपके पास, ये एम एक्स एक्सेल का आ रखा है, तो मतलब कौन सा आएगा, क्विक एनालिसिस टूल में आ जाएगा। अब देखो विच अलाइनमेंट ऑप्शन शुड टू बी डिफॉल्ट पैराग्राफ अलाइनमेंट, देखो पैराग्राफ अलाइनमेंट में आपको जब वार में पढ़ा रहा था तो मैंने आपको पढ़ा रखा था कि आपके पास जो बाय डिफॉल्ट आपके पास अलाइनमेंट होती है वो कौन सी होती है आपके पास, लेफ्ट वाली। ठीक है, ये कौन सी आती है आपके पास, लेफ्ट अलाइनमेंट आती है, क्योंकि लेफ्ट अलाइनमेंट देखो ना अपने पास आपकी जो कॉपी वगैरह होती है तो उसमें लेफ्ट में थोड़ी थोड़ी जगह रखी हुई होती है, तो वो क्या आता है आपके पास, अलाइनमेंट लेफ्ट आती है। और यहाँ पे मैंने आपको एक गटर अलाइनमेंट भी वो रखा था, ठीक है, तो उसको क्या होता है, वो भी आप वो वीडियो जब देखोगे ना तो उस टाइम आप करोगे तो आपको वो पूरी चीज़ क्लियर हो जाएगा। डैश डैश और हाई पर लिंक्स टू लेट यू जंप टू स्पेसिफाइड प्लेस इन योर डॉक्यूमेंट, तो वो क्या करते हैं, आपके पास लिंक प्रोवाइड करोगे ना आप, तो डायरेक्टली क्या चलोगे आप उसी डॉक्यूमेंट पर जाओगे जहाँ से आपने लिंक प्रोवाइड की होगी। तो सभी डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है, तो एल्ट प्लस F4 होती है। अब देखो इन डैश डैश व्यू, ये आपको पावर प्रेजेंटेशन का मतलब पीपीटी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का क्वेश्चन आ रखा है, यू कैन ओनली सी द टेक्स्ट ऑफ द स्लाइड्स, तो कौन से पे देख सकते हो आप, आउटलाइन पे देख सकते हो। नॉर्मल व्यू पे क्या हो जाएगा आपके पास, ऐसे हो गए जहाँ पे आप बना रहे हो गए, ये आप मतलब अपना डॉक्यूमेंट तैयार रखे होगा, यहाँ पे साइड पे आपको ऐसे ऐसे आता जाएगा, ये कौन से व्यू आएगा, नॉर्मल व्यू। उसके बाद स्लाइड सॉर्टर पे क्या होगा, आपने जितनी भी स्लाइड्स बना रखी होंगी वो आपको क्या आ जाएंगी, एक साथ आ जाएंगे। और स्लाइड शो पे क्या करोगे, आप उनको प्रेजेंट करोगे डायरेक्टली, स्लाइड शो के लिए क्या कर सकते हो आप, स्लाइड शो के लिए आप शॉर्टकट की F5 का भी यूज करते हो। ठीक है, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि डैश 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 इज अ बिल्ड इन टूल इन विंडो विंडोज डैट अलाउ यू टू पार्टीशन द हार्ड डिस्क विदाउट रिबूटिंग द सिस्टम, तो ये क्या आता है आपके पास, डिस्क मैनेजमेंट आता है, तो जो भी आपका टास्क वगैरह होता जाएगा वो किसी के वजह से आ जाएगा, डिस्क मैनेजमेंट आ जाएगा। द फुल फॉर्म ऑफ ECOS विच इज एन ओपन सोर्स रॉयल्टी फ्री टाइम
ऑपरेटिंग सिस्टम इंटेंडेड फॉर एम्बेडेड एप्लीकेशन कौन सा आता है आपके पास, एम्बेडेड कॉन्फ़िगरेशन ऑपरेशन सिस्टम आता है। तो ये भी क्या आपके पास एक सॉफ्टवेयर है जिसको आपको ओपन सोर्स है, इसमें आप एक्सेस वगैरह चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। विच ऑफ द ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर डेवलप बाई माइक्रोसॉफ्ट, तो माइक्रोसॉफ्ट ने कौन सा किया है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो और माइक्रोसॉफ्ट डॉस भी किसने किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। अब आ रहा है आपके पास हाउ मेनी बिट्स मेक वन निब्बल, तो आपको मैंने बता रखा था 4 बिट्स आपके पास क्या बनाती है, आपके पास एक निब्बल बनाती है। और आपको ये याद रखना है कि बिट बाइट क्या होता है, आपके पास सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, ठीक है। डैशेस लेआउट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लेट यू टू सी द हेडिंग इन अ डॉक्यूमेंट, तो क्या कर सकते हो आप आउटलाइन व्यू पे जा सकते हो। डैशेस इज द इंफॉर्मेशन स्टोरेज और रिट्रीवल सिस्टम दैट वर्क ऑन द सेम टेक्निक एज द इंटरनेट डज बट इट इज प्राइवेटली इनसाइड अ सर्टेन कंपनी, तो वो क्या आता है आपके पास इंटरनेट। तो इसमें आपका इंटरनेट भी क्या आता है आपके पास कि आपके इसमें ही सारी हमारी क्या होती है इंफॉर्मेशन सारी शेयर होती है। तो ये देखो यूनिक्स का भी कौन से टाइप का ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, तो ये आपका क्या हो सकता था मल्टीटास्किंग, तो इसकी फुल फॉर्म आती है आपके पास यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम आ जाती है, ठीक है। तो ये इसकी फुल फॉर्म आ गई, और ये आपको याद रखना ये कौन से टाइप का माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम है, मल्टीटास्किंग। अब देखो डैश डैश कैन बी प्रोग्रामेबल टू इरेज डाटा फ्रॉम इट, इट एक्सपोज टू अल्ट्रावायलेट लाइट द री प्रोग्राम इट इरेज ऑल द प्रीवियस डाटा, तो वो कौन से आते हैं आपके पास ई पी रोम आता है आपके पास इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देखो इरेज हो रहा है ना, अगर इलेक्ट्रिकली होती ये तो लाइट की वजह से आ रही है, अगर इलेक्ट्रिकली होती तो वो आपके पास EEPROM आ जाती है आपके पास, ठीक है। एनी डाटा और इन्फॉर्मेशन सेंड टू कंप्यूटर यूजिंग माउस और कीबोर्ड, सबसे पहले माउस और कीबोर्ड क्या आता है आपके पास इनपुट डिवाइस होगी, तो इनपुट डिवाइस कौन सा डाटा देंगे आपके पास, इनपुट ही तो देंगे, ठीक है। उसके बाद डैशेज इज अ मल्टीपल ऑफ ए यूनिट बाइट फॉर डिजिटल इन्फॉर्मेशन यूजिंग 1 बिलियन बाइट, तो 1 बिलियन बाइट के लिए कौन सा था गीगाबाइट आता है, क्योंकि देखो इसमें 2 की पावर 9 समथिंग आ जाती है ना, और अगर आपको पेटाबाइट होगा तो वो 2 की पावर 15 आ जाता है, किलोबाइट में तो 3 और टेराबाइट कितना होता है आपने ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। डैशेस इज एन हैंड हेल्ड डिवाइस दैट एक्ट लाइक मिनी कंप्यूटर विच इज यूज बाई बिजनेस प्रोफेशनल टू एसेस ईमेल एंड इंटरनेट, उसको क्या बोलते हो आप PDA, PDA की फुल फॉर्म आती है आपके पास पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, क्या था आपके पास पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, मतलब एक टाइप का ये पहले होता था जिसपे आप क्या कर सकते थे, इस पर आप राइट जो इसको आप इसमें डायरेक्टली पहले क्या होता था कि कीबोर्ड तो इसमें होता नहीं था जो आपके पास PDA, इसमें आप क्या कर सकते हो स्टाइलस की वजह से आप लिख लग सकते हो। स्टाइलस कौन सा है जिसे मैं देखो आपके पास ये लिख रहा हूँ, ये आपके पास स्टाइलस आ रहा है, ठीक है। ये आपके पास मतलब एक किस्म की टैब की तरह ही होती थी ना, बट टैब में आपके पास आप इसमें टाइप कर सकते हो, इसमें आप टाइप वगैरह कुछ कर नहीं सकते थे, इसमें खाली आप स्टाइलस की वजह से ही लिख सकते थे। डैशेस रेफर टू द प्रोसेस ऑफ रीअरेंजिंग द फाइल ऑन डिस्क सो दैट द डाटा इज एडजॉइंट, उसको क्या बोलते हो डीफ्रेगमेंटेशन, तो इसमें आप क्या कर सकते हो जितने भी आपने डाटा को कहीं भी रखा उसको आपने एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज करना है तो आप डीफ्रेगमेंटेशन कर दोगे। उसके बाद आता है टू वॉच माइक्रोसॉफ्ट मेन्यू इज प्रेजेंट इन डैशेस टैब, तो ये आपके पास MS में कहाँ से आता है फॉर्मुलाज टैब में आता है। डैशेस इज अ ब्लू एरो दैट शो द रिलेशनशिप बिटवीन सेल यूज्ड इन एक्सेल, तो उसको क्या बोलते हो आप सेल ट्रैकर बोलते हो। ये आपको कुछ एमएस एक्सेल के जनरल क्वेश्चन ही आपको आने चाहिए, ठीक है। विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू ओपन टू गो टू डायलॉग बॉक्स, तो कौन सी आपके पास यूज होती है डायरेक्टली F5 होती है। डैशेस फंक्शन इन एक्सेल अलो यू टू रिप्लेस एग्जिस्टिंग टेक्स्ट विद न्यू टेक्स्ट इन अ गिवन टेक्स्ट स्ट्रिंग, तो कौन सा था सब्स्टिट्यूट आ जाता है आपके पास उसको आप रिप्लेस कर सकते हो। सब्स्टिट्यूट क्या आता है आपके पास, मतलब इसको आपको मैं सब्स्टिट्यूट को सिंपल समझा दो कि आप खुद ही बोलते हो कि किसी को रिप्लेस करना, तो सब्स्टिट्यूट वही आ जाएगा रिप्लेस करना। टू शट डाउन विंडो यू नीड टू सेलेक्ट डैशेस ऑप्शन फ्रॉम स्टार्ट मेन्यू एंड देन शट डाउन, तो आपको मैंने अभी दिखाया आपको कौन सा ऑप्शन करना होता है, वहाँ पे पावर का आता है ना आपके पास, ये देखिए यहाँ पे आपके पास पावर वाला आ रहा, तो इसके बाद आपके पास क्या हो जाता है शट डाउन आ जाता है। डैशेस आर स्पेशल कोड दैट इंस्ट्रक्ट वर्ड टू इंसर्ट इन्फॉर्मेशन इन डॉक्यूमेंट, तो वो क्या है आपके पास फील्ड, ठीक है। अब कंट्रोल प्लस ए क्या कर रहा है, तो कंट्रोल प्लस ए अभी हमने देखा तो वो क्या करता है आपके पास आइटम को सिलेक्ट करता है, ये तो अभी हमने जस्ट एक ऊपर वाला ही हमने ये क्या देखा था एक MCQ देखा था। अब आ रहा है बिटवीन रिसीविंग इनपुट एंड प्रोवाइडिंग आउटपुट योर कंप्यूटर विल बी परफॉर्म लॉजिकली ऑपरेशन कॉल्ड एज़, तो जो भी आपका आप इनपुट दे रहे हो कंप्यूटर आउटपुट दे रहे हो तो वो क्या करता है कंप्यूटर प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद ही तो आपको वो क्या दे पाएगा रिजल्ट दे पाएगा, प्रोसेसिंग क्या आ जाएगा आपके पास इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब हमारा डैशेज ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अलो टू सेलेक्ट द फॉर्मेटिंग इन्फॉर्मेशन फॉर अ टेक्स्ट एंड अप्लाई फॉर द सेम ऑन अनदर टेक्स्ट, तो आप क्या करोगे फॉर्मेट पेंट करोगे ना, फॉर्मेट डिजाइनिंग करनी है तो आपने फॉर्मेट आ जाए, सिंपल देखो कि फॉर्मेटिंग करनी है तो आपको क्या ऑप्शन होगा फॉर्मेट पेंटर आ जाएगा, तो उसे आप कर सकते हो। अब देखो हमारा डैशेस इज अ फॉर्म ऑफ ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन विच मे यूज मोबाइल लाइन एंड फाइबर ऑप्टिक्स केबल फॉर एसेसिंग इंटरनेट, तो इसको क्या बोलते हो आप DSL, तो DSL की फुल फॉर्म आ जाएगी आपके पास
डीएसएल की फुल फॉर्म आ जाएगी आपके पास, सॉरी डीएसएल की फुल फॉर्म आ जाएगी आपके पास डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ये आपको मतलब जो आपका मोडम वगैरह होता है उसी के साथ कनेक्ट करके आपका जो टेलीफोन लाइन जो होती थी ना आपके पास, उसी तरह से ये आपके पास ये होता था। कि मैंने आपको लास्ट वाला जो मैराथन था उसमें भी आपको ये मैंने बता रखा था, ठीक है। और वाईफाई की फुल फॉर्म क्या आती है आपको, वो आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बतानी है, क्योंकि इसके मैंने आपको बता रखी वाईफाई की फुल फॉर्म क्या आती है आपके पास, ठीक है। अब देखो आ रहा है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से आपके पास, एम एस ऑफिस है, ठीक है, यूनिक्स वगैरह तो ये क्या आपके पास दूसरे हैं, ये यूनिक्स के आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके पास, और कौन सा है मल्टीटास्किंग है, ये तो एम एस ऑफिस ही आ रहा है आपके पास एप्लीकेशन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सपी ये मतलब माइक्रोसॉफ्ट विंडो का आपके पास एक क्या है आपके पास उसके वर्जन है, और विस्टा भी क्या उसका वर्जन है। विच मेमोरी इज इन इंटरमीडिएट बिटवीन रैम एंड प्रोसेस, मैंने आपको बता रखा था कि कौन सी होती है आपके पास, कैचे मेमोरी होती है। कैचे मेमोरी क्या होती है, बहुत फास्ट मेमोरी है आपके पास होती है। डैशेस टूल अलो यू टू क्रिएट कैलकुलेशन फॉर्मेटिंग एंड चार्ट्स वेरी क्विकली, तो कौन सा आएगा आपके पास, हर चीज़ अच्छे से क्विकली करनी तो क्विक एनालिसिस टूल आ जाएगा आपके पास, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। डैशेस फीचर इनेबल यू टू इंसर्ट योर नेम एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एट द एंड ऑफ ऑल आउटगोइंग इमेज, तो उसको क्या बोलोगे आप, सिंपल आप यहाँ पर देखो एंड देखोगे तो आप डायरेक्टली इसका आंसर क्या चूज कर लोगे, फुटर, बट फुटर क्या आ जाएगा इसका गलत आंसर, इसका क्या आ जाएगा सिग्नेचर आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसका आंसर सिग्नेचर। तो सिग्नेचर आप कर रहोगे कैसे, कि मतलब ये आपके पास एक ऐसा टूल होता है जिसे आप अपना नाम और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सेंड कर सकते हो, जितनी भी आपने क्या करनी है ईमेल सेंड करनी है उसमें। फुटर आपका किस में यूज होता है, ये आपके पास किस में यूज होता है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में यूज होता है आपके पास, ठीक है। यूज डैश फंक्शन टू क्रिएट ए रेफरेंस टू अ रेंज दैट इज स्पेसिफाइड नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम अवे फ्रॉम सेल और रेंज ऑफ सेल, उसको क्या बोलते हो आप, ऑफसेट बोलते हो, ये आपके पास एमएस एक्सेल में आता है, ठीक है। डैशेस अटैकर्स आर मेड बाय सेंडिंग एन ईमेल टू टारगेट ऑडियंस टू मेक देम प्रोवाइड आइडेंटिफाइड इन्फॉर्मेशन बैंकिंग एंड क्रेडिट कार्ड डिटेल एंड पासवर्ड आर कॉल फिशिंग, उसको क्या बोलते हैं आप, फिशिंग बोलते हो। मतलब आपके पास हैकर क्या करेंगे, आपको मेल भेज देंगे, जैसे देखो आपको बोलते हैं कि आपको इतने की लॉटरी लग गई है, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं कि कौन बड़े करोड़पति से आपका इतने की लॉटरी वगैरह आ रखी है, तो वो क्या होता है स्कैमर आपको भेजते हैं कि आप क्या करो उनके साथ अपनी इन्फॉर्मेशन, प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अपनी शेयर कर दो, तो आप उनका वो हैक करके आपके पैसे वगैरह सब वो आपका अकाउंट पूरा वॉश कर देंगे। अब देखो डैशेस रूटिंग and remote access configuration allow internet client to contact to the internet using one public IP address. तो सबसे पहले आपको IP की फुल फॉर्म आनी चाहिए, वो क्या होती है आपके पास इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP को आप TCP भी बोल सकते हो, मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल भी आप बोल सकते हो। तो वो कौन सा ऑप्शन आता है आपके पास, NAT। NAT की फुल फॉर्म आता है आपके पास, NAT की फुल फॉर्म मैं देखो लिख लेता हूँ आपके पास, NAT की फुल फॉर्म आ जाएगी आपके पास नेशनल एड्रेस ट्रांसलेशन, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आता है, एक टूल आता है जिसे आप क्या कर सकते हो, अपनी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, आप इंटरनेट क्लाइंट्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हो, किसी वजह से आईपी एड्रेस की वजह से ये कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ रहा है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन चूज रोज एंड कॉलम डैट नीड टू बी रिपीटली प्रिंटेड ऑन ईच पेज बाई सेटिंग डैशेज ऑप्शन अंडर द पेज सब सेटअप सेक्शन इन एक्सेल। तो क्या करोगे आप, प्रिंट टाइटल करोगे, कि कुछ भी चीज़ आपने प्रिंट कर दें तो प्रिंट टाइटल ही आपके पास ऑप्शन आएगा ना। मार्जिन्स क्या होते हैं आपकी, आप उसको जो साइड में आपने कितनी ये वाली जगह कितनी रखनी है, ये वाली जगह कितनी रखनी है, टॉप पे कितनी रखनी है, बॉटम पे कितनी रखनी है, तो वो वाले आपके आ जाते हैं मार्जिन। डैशेस इज अ यूज ऑफ टू आर मोर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट विद अ सिंगल कंप्यूटर सिस्टम। तो क्या बोल सकते हो आप, एक साथ आप मल्टीपल चीज़ें कर रहे हो तो उसको क्या बोलोगे, मल्टीपल प्रोसेसिंग बोलोगे। शॉर्टकट की टू यूजिंग इंसर्ट अब पेज ब्रेक इन एम एस वर्ड, तो क्या करोगे आप, कंट्रोल प्लस एंटर करोगे तो आपके पास पेज इंसर्ट ब्रेक हो जाएगी एम एस वर्ड। अब देखो विच मेमोरी रिक्वायर्ड पावर टू मेंटेन द स्टोर इन्फॉर्मेशन, तो कौन सी आपके पास चाहिए, रैम चाहिए, क्योंकि रैम क्या होती है आपके पास वोलेटाइल मेमोरी होती है, मतलब रैंडम एसेस मेमोरी बोलते हो। इसमें क्या होता है आपके पास कि जो भी आप काम करते हो डायरेक्टली किसमें स्टोर हो जाता है, रैम में। अगर आपके पास लाइट ऑटोमेटिकली स्ट्रक्ट हो जाती है तो आपकी क्या हो जाएगी, वो सारी मेमोरी वॉश हो जाएगी। अब जितने आप फंक्शन करते जाते हो उतने क्या हो जाते हैं, आपकी मेमोरी भर जाती है, जितनी आपके पास रैम होती है। तो फिर आप बोलते हो कि आपके पास फोन वगैरह आपका हैंग हो जा रहा है, तो हैंग हो जा रहा है तो आप क्या करते हो, उसको रिस्टार्ट करते हो। तो रिस्टार्ट करने से क्या हो जाती है, मतलब आपने पावर ऑफ कर दी, डिसकनेक्ट कर दिया, तो आपके पास मेमोरी सारी क्या हो जाती है, वो लॉस हो जाती है, तो आपका फोन क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। अब देखो डॉट मैट्रिक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ कौन से की आपके पास इंपैक्ट, मतलब डॉट मैट्रिक्स हो गया, डेजी बिल आ गया, इंपैक्ट आता है कि जिसमें क्या होता है इनके साथ पेपर क्या होता है कॉन्टेक्ट में आता है। अब देखो 10 1024 GB किसके बराबर आता है, तो ये आपको याद रखना है 1 TB के बराबर ये आता है। और आप मुझे बताओगे 1 XB किसके बराबर आता है, ये मैंने आपको बता रखा है ना, 1 XB किसके बराबर आता है आपने मुझे बताना है। इन टर्म्स ऑफ
आप बाइट रहने दो, मतलब की भी वगैरह इस टाइप में जो आते हैं उनकी टाइप में आपको बताना है कि वन एक्स भी किसके बराबर आपके पास आता है। अब आर आपके पास द प्रोटोकॉल यूज बाई ये मेल सर्वर IMAP स्टैंड फॉर, इसका फुल फॉर्म क्या आती है आपके पास? इसकी फुल फॉर्म आती है आपके पास इंटरनेट मैसेज एसेस प्रोटोकॉल। ये क्या होती है आपके पास? एक ऐसा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल होता है जिसमें आप क्या कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो अपनी ईमेल जो आपके पास मेल सर्वर आती है। मतलब आपके पास जीमेल आ रही है, जीमेल से आप अपनी मेल को रिसीव कर रहे हो, तो वो कौन से प्रोटोकॉल IMAP की वजह से ही आप उसको रिसीव कर पा रहे हो। विच फीचर ऑफ विंडो 10 अलाउ ए कंप्यूटर यूजर टू वर्क ऑर्गेनाइज वर्चुअल डेस्कटॉप दैट कैन फिट डिफरेंट टास्क? तो क्या था टास्क बार, मतलब ये देखो आपके पास क्या एक्टिव फंक्शन है। देखो मैं OBS स्टूडियो से आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्रोम पे ये वाला लगा रखा है, उसके बाद मैंने ये पेन वाली एप्लीकेशन को रखी है, बैकग्राउंड में अगर कुछ भी कर दो तो वो आपके पास सब बात है। द स्पेशल की ऑन द कीबोर्ड दैट हैज ए विंडो लोगो ऑन इट, तो देखो आपने लैपटॉप पर देखी होगी या अपने कीबोर्ड पर देखी होगी क्या होती है, एक विंडो का ऑप्शन आता है तो उसको क्या बोलते हो आप, स्टार्ट की वाला बोल सकते हो। उसके बाद आता है डैशेस इज द कॉमन मदरबोर्ड इंटरफेस फॉर पर्सनल कंप्यूटर, ग्राफिक कार्ड, हार्ड डिस्क, ड्राइव, होस्ट, अडाप्टर, SSD, वाईफाई एंड एथरेट हार्डवेयर कनेक्शन, वो क्या आपके पास PCI, PCI की फुल फॉर्म आ जाएगी आपके पास, PCI की फुल फॉर्म आ जाएगी आपके पास पेरिफेरियल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, ठीक है? तो क्या आ जाएगी आपके पास PCI, ये किस में आता है आपके पास कॉमन मदरबोर्ड इंटरफेस आता है। तो मदरबोर्ड क्या आता है आपके पास, जिसमें आपको मतलब जनरली आप जो भी आपका आप बोलते हो ना कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर CPU, बट CPU में भी एक्चुअल में कौन सा होता है वो मदरबोर्ड आता है, मतलब मदरबोर्ड में ही सारा आपका खेल होता है जो भी चीज आएंगी। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डैश ऑप्शन विल शो द कमेंट्स एंड फॉर्मेटिंग चेंज इन द प्रिंट प्रीव्यू, तो किसमें आ जाएंगे वो ट्रैक चेंजर में आ जाते हैं आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखोगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टैब ऑप्शन इज यूज टू ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन एट द पोजिशन ऑफ द टैब शॉप, तो कौन सा आता है आपके पास, बार टैब में आपके पास सभी ऑप्शन ये आते हैं। डैशेस इज अ मैकेनिज्म दैट प्रोवाइड द इंटरफेस बिटवीन अ प्रोसेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, तो कौन सा आता है आपके पास, सिस्टम कॉल आती है। वॉइस की फुल फॉर्म क्या आती है आप ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे। वॉइस को मैंने आपको बता रखा था ना कि मतलब आपके पास बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम आता है, तो वॉइस कौन सी मेमोरी हो जाएगी, मतलब ये पूरा स्टार्ट करता है आपके पास कंप्यूटर, तो ये कौन सा आ जाएगा, रोम का हिस्सा आएगा। यही आपको एक क्वेश्चन जो था आपके JKP, सॉरी JKSSB ने फाइनेंस अकाउंटेंट के पेपर में पूछा हुआ था। अब आ रहा है डैशेस फंक्शन रिटर्न द वैल्यू ऑफ ए स्पेसिफाइड सेल और एरे ऑफ सेल, कौन सी आ रही है आपके पास, इंडेक्स वाली वैल्यू आती है। अब देखो द डैशेस फंक्शन इज यूज टू डिटरमाइन हाउ मेनी सेल इन अ रेंज कंटेन अ न्यूमेरिक एंट्री, तो क्या करोगे आप डायरेक्टली काउंट पे प्रेस करोगे आपने वहाँ पे MS Excel में, तो आपके पास ये आ जाएगी। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल द परसेंटेज स्टाइल बटन इज अवेलेबल अंडर, तो कहाँ पे आ जाएगा, नंबर वाले, क्योंकि ये क्या आता है नंबर सिस्टम का पार्ट है, नंबर ग्रुप में आ जाएगा आपके पास। सेव में तो आपको क्या करना होगा, सेव इंसर्ट में आपने कोई एंट्री डालनी होगी, पेज ग्रुप में अपने पेज के आपके कोई डिजाइन वगैरह करना होगा। अब अगर आपके पास डैश फंक्शन इन एक्सेल विल रिटर्न द काउंट ऑफ द नंबर ऑफ सेल इन रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी, तो कौन सा करोगे आप, काउंट वाला फंक्शन यूज करोगे तो हो जाएगा। अब अगर आपके पास डैश इज यूज टू एनक्रिप्ट द कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, तो आपके पास जो क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है उसको अपने प्राइवेसी रखने के लिए तो आप कौन सा यूज कर सकते हो, SSL सर्टिफिकेट यूज करोगे। तो SSL का फुल फॉर्म होता है आपके पास सिक्योर सॉकेट लेआउट बोल सकते हो आप, ठीक है, सॉकेट लेआउट, सॉरी लेयर, सिक्योर सॉकेट लेयर होती है आपके पास SSL, जिसे आपके पास जो भी आपने क्लाइंट और सर्वर के बीच की बात होती है वो क्या होती है आपके पास, सेफ होती है। अब आता है डैशेस इंटरनेट एसेस इज अ फॉर्म ऑफ इंटरनेट एसेस दैट यूज द फैसिलिटी टू पब्लिश स्विच टेलीफोन नंबर PSTN टू एस्टैब्लिश ए कनेक्शन टू अ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो वो क्या था आपके पास, डायल अप आता है, ठीक है, ये आप इससे कनेक्शन कर सकते हो। डैशेस इज द एरे ऑफ सेल वेयर द लुकअप वैल्यू यू वॉन्ट टू रिटर्न बाई फंक्शन और लोकेटेड, कहाँ पे आती है वो, टेबल एरे में आती है। अब आ रहा आपके पास द क्लाउड सर्वर प्लेटफॉर्म दैट इज ऑन बाई Amazon, तो कौन सा आता है आपके पास, AWS, AWS की फुल फॉर्म क्या है आपके पास, Amazon वेब सर्विसेज, ठीक है, ये कब लॉन्च की थी Amazon ने, 2002 में ये लॉन्च की थी। इसमें क्या आपका क्लाउड, क्लाउड का तो जैसे आपके पास देखो गूगल ड्राइव होता है तो उसमें आप अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह सेव कर सकते हो, तो वैसे आपने का Amazon ने कर रखा है तो आता है AWS, ठीक है। एक इंडिया का भी Oracle होता है, ठीक है, वो भी आपके पास क्या है, क्लाइंट सर्वर है आपके पास, मतलब सॉरी क्लाउड सर्वर आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है, मतलब आपके पास क्या होती है, परमानेंट मेमोरी, तो हार्ड डिस्क आती है आपके पास परमानेंट मेमोरी, ये तो आपके पास रैम रोम की वाली क्या आ रही है, टाइप्स आ रही है। इन विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम डैश की कॉम्बिनेशन ओपन द स्टार्ट बटन कंटेंट मेन्यू, तो वो कौन सा आता है आपके पास, विंडो X, ठीक है,
और अगर आप कंट्रोल प्लस एक्स दबाओगे उससे क्या होता है, आपके पास कट हो जाता है। शॉर्टकट की यूज टू पेस्ट एनी टेक्स्ट इन नोट पैड, तो टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए क्या करते हो, कंट्रोल प्लस, सॉरी पेस्ट करने के लिए, कॉपी करने के लिए तो सी यूज करो, बट पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी का आपको ऑप्शन करना होता है। डैशेज ऑप्शन हेल्प यू टू टाइप वेरी स्मॉल लेटर जस्ट अबाउट द लाइन ऑफ द टेक्स्ट, कौन सा कर सकते हो आपके पास, जैसे मान लीजिए आपको क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर लिखना है, तो आप क्या लिखोगे, खाली एक्स टू लिखोगे पहले, अब इस टू को सिलेक्ट करोगे, उसके बाद आपके पास वहां पे एक ऑप्शन आएगा सुपरस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट दबाओगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अगर मान लीजिए आपको लिखना है एच टू ओ लिखना है, तो आप क्या लिखते हो, पहले लिखोगे एच टू और ओ, फिर टू को प्रेस करोगे, फिर आपके पास दिया होता ऑप्शन सब स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट को क्लिक करोगे तो आपके पास एच टू स्टार फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है, सुपर स्क्रिप्ट होता है ऊपर वाला, मतलब आपको पावर करनी है, और जो आपको नीचे बेस के साथ वाली वैल्यू लिखनी है तो उसको आप लोग सब स्क्रिप्ट। अब देखो डैशेस रिप्रेजेंट डाटा बाई वेरिंग द विड्थ एंड स्पेसिंग ऑफ पैरेलल लाइन विच कैन बी ऑब्टेन स्कैन टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन, तो उसको क्या बोलते हैं हम, बार कोड। आज का ही वैल्यू मैंने आपको बता रखी थी, ये क्या होती है आपके पास अमेरिकन स्टैंडर्ड वैल्यूज होती हैं कुछ हमारे पास, जैसे मतलब मैंने आपको बता रखा था आपके लिए कि ए की कैपिटल ए की 65 होगी, उसमें आप 32 प्रेस कर लोगे, छोड़ दोगे तो आपके पास दूसरी वाली वैल्यू स्मॉल की आ जाएगी। ठीक है, उसको बताता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द इन्फॉर्मेशन इन कंप्यूटर इन टर्म्स ऑफ साइज, तो कौन सा था आपके पास, बिट आता है। उसको बता रहा विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर आर फॉलोइंग डीओएस, विंडो एक्सपी, विंडोज, विस्टा, यूनिक्स, लिनक्स, कौन सा आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, डीओएस, विंडो एक्सपी कौन ऑन करता है आपके पास, माइक्रोसॉफ्ट ऑन करता है। टू डुप्लीकेट अ स्लाइड इन पावर पॉइंट चूज, तो आप क्या कर सकते हो, डुप्लीकेट करना तो डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड कर दोगे। ठीक है, आपके पास आ रहा है विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर स्टोर इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन आपके पास कंप्यूटर में कौन स्टोर करता है, डिस्क ड्राइव स्टोर करेगा या आपके पास डिस्क ड्राइव भी करेगा, क्योंकि मेमोरी का पार्ट होता तो आपके पास ये आएगा। अब देखो डैश स्लाइड ऑप्शन बैकग्राउंड ऑप्शन इन पावर पॉइंट लेट यू वांट टू सेलेक्ट अ यूनिफॉर्म पैटर्न दैट गिव द इंप्रेशन दैट द स्लाइड इज डिस्प्ले ऑन अ मटेरियल सच एज क्लॉथ आर स्टोन, तो आप क्या यूज करोगे, उसमें पैटर्न टाइप का यूज करोगे, आपको अपनी स्लाइड का बैकग्राउंड चेंज करना है अपने पावर पॉइंट में, तो आप उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो, तो उसे आप अपना बैकग्राउंड का लुक चेंज कर सकते हो। अब देखो विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड इन पीसी, विंडोज भी आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लिनक्स भी होता है, डीओएस भी आपके पास क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, खाली आपके पास ओरेकल ही होता है, ओरेकल के आपके पास जैसे आपके पास अमेजोन वेब सर्विस की उसी तरह का आपके पास ये क्या होता है क्लाउड सर्विस होती है, जिसको ये आपके पास इंडिया की एप्लीकेशन इंडियन की डेवलप की हुई वेबसाइट वगैरह है। विद द फॉलोइंग इन एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस क्या आएगा, प्रिंटर में आपके पास क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है कॉम्पैक्ट डिवाइस, तो कॉम्पैक्ट डिवाइस सीडी क्या आती है आपके पास, मेमोरी का पार्ट आता है, स्पीकर, स्पीकर आपके पास आउटपुट आ रहा है, स्कैनर, स्कैनर से क्या करते हो आप, स्कैन करके आपने क्या कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन आप कंप्यूटर में दे सकते हो, तो क्या आ जाएगा आपके पास, स्कैनर क्या जाएगा आपके पास, इनपुट डिवाइस आ जाएगा। द फ्रीज पैन ऑप्शन इन एक्सेल इज अवेलेबल अंडर कौन से रिबन के अंदर आता है, वेव रिबन के अंदर वो आता है। अब देखो डैश अलाउज अस टू डिसाइड ऑन द ऑर्डर इन विच द ऑल स्लाइड विल बी विजिबल ड्यूरिंग द स्लाइड शो, तो आपको मैंने अभी बताया कौन सा था, वो स्लाइड सॉर्टर पैन आता है, तो इसे आपके साथ जितनी आपने पीपीटीज में आपने स्लाइड्स में रखी अगर उनको एक साथ देखना तो आप स्लाइड सॉर्टर लगाओगे। नोट पैन का था कि जो आपके पास स्पीकर होता है ना, उसमें अगर आपको कुछ बोलना है प्रेजेंटेशन के टाइम, तो अपना नोट पैन वाला ऑप्शन यूज करके कुछ बोल सकते हो, और आपके पास यहाँ पे आता है स्लाइड शॉर्ट, F5 क्लिक करोगे तो आपने उसको प्रेजेंटेशन फॉर्म में शो करना, तो आपके पास क्या आता है स्लाइड शॉर्ट, सॉरी स्लाइड शो आ जाता है। अब आ विच अमंग द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ पोर्ट इज कॉमनली यूज फॉर कनेक्टेड इनपुट डिवाइस सच एज माउस, तो कौन सा आता है आपके पास, USB आपके पास होता है ना कंप्यूटर में, CPU होगा, तो वहाँ पे देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे ये दे रखे होते हैं, इनको क्या बोलते हो आप USB की फुल फॉर्म आती है आपके पास यूनिवर्सल सीरियल बॉक्स, यूनिवर्सल सीरियल बस बोलते हो आप इसको, तो उसे आप क्या कर सकते हो आपने कनेक्ट कर सकते हो बहुत सारी इनपुट डिवाइस। तो अब देखो फिर से वो क्वेश्चन रिपीट आने लगे, मतलब पहले वाले क्वेश्चन, तो हमने 200 क्वेश्चन आपके पास कंप्यूटर के डिस्कस कर दिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मैंने जितना भी आपको जिन क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन की जरूरत थी वो उनका मैंने आपको अच्छा से एक्सप्लेन कर दिया होगा। कोई भी अगर आपका फीडबैक होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा, और आपको वीडियो कैसी लगी, और आपको अगर इनकी और डिटेलिंग में पढ़ना है तो आप कंप्यूटर सेक्शन की वीडियोज प्लेलिस्ट में आप चेक करके देख सकते हो, आपको वहां से भी और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाएगी। और ये हमने खाली JKSSB के प्रीवियस क्वेश्चन किए, तो ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।